नमस्कार मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं साथ ही कुछ बच्चों ने अभी हमें फ़ोन के मैसेज के माध्यम से कहा सर जैसे आपने यूपी एस आई में ए एस आई में हमारा साथ दिया था जो भी हो सका था आपने हम हमारे लिए किया था हम उनके लिए जो है भर्ती बोर्ड गए थे जो भी ए एस आई के सेकेंड मेरिट लिस्ट है जो भी उनका हो सका डेट कब आ रही है टाइपिंग की जितना भी हो सका हमने किया तो उन बच्चों का विश्वास हमारे ऊपर था उन्होंने हमें फ़ोन किया कॉल किया उन्होंने कहा सर कि कांस्टेबल वैकेंसी जो है उसके लिए हम लोग ओवर एज के कगार पर जा रहे हैं इसके लिए जो है आप कुछ करिए ठीक है तो हमने देखा कि इस पर अंकित सर ने सबसे पहले जो आपके रोजगार विथ अंकित जो चैनल है उनके अंकित भाटी सर ने इस पर एक मुहिम जो है छेड़ा है 29 तारीख को 29 अक्टूबर को ट्विटर कंपेन का कि जो कांस्टेबल की वैकेंसी है जो यूपीपी की जो चालीस हज़ार प्लस वैकेंसी आने वाली है उसका क्या हुआ उसमें जो कांस्टेबल की भर्ती है उसका क्या हुआ उसका जो टेंडर चल रहा था आखिर वो कब तक आएगी क्योंकि जो बच्चे हैं उनका मेन एक ही है जो क्वेश्चन कि सर अगर इस साल वैकेंसी नहीं आई तो हम ओवर एज हो जाएंगे और फिर अरे ये ओवर एज कंसीडर नहीं किए अगर हमें जो अगली साल ये वैकेंसी आती है तो हमें ये मौका नहीं मिलेगा हम सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने ज़िंदगी का इस वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं इसमें लगे हुए हैं तो कहीं ना कहीं उनके साथ जो है गलत होगा तो हम नहीं चाहते किसी स्टूडेंट के साथ कोई गलत हो तो इसी सिलसिले में हम चाहते हैं कि जितने भी आपके ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड जो प्लेटफॉर्म हैं और टीचर्स हैं वो सभी हमारा जो है साथ दें अंकित सर का साथ दें एक जो उनतीस तारीख को डेट डिसाइड किया गया है उस दिन सभी लोग जो हैं वही हैशटैग जो अंकित सर ने स्टार्ट किया उसी हैशटैग के साथ हम लोग आगे बढ़ें ज़रूर अगर हम सभी एक साथ एकजुट होकर ट्वीट करेंगे तो उसका एक परिणाम देखने को मिलेगा वो ट्विटर जो हैशटैग है वो क्या है वो ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा और उसको ध्यान से करिएगा क्योंकि एक ही हैशटैग लेकर हमें आगे बढ़ना है अलग अलग चीज़ें नहीं करना है जो अंकित सर जो है आपके प्रोसीड किए हैं जो आगे चल रहे हैं उन्हीं के साथ हमें भी चलना है तो वो हैशटैग हम लोग देख लेते हैं कि उनतीस तारीख को उन्होंने कहा है कि हमें जो है सुबह दस बजे से ये ट्विटर कंपेन करना है यू पी पी वैकेंसी के लिए कि वो वैकेंसी जो विज्ञापन है इस साल निकाल दे क्योंकि अगर इस साल निकाल देता है तो काफ़ी बच्चे जो हैं ओवर एज के वजह से मतलब जो ओवर एज अगली साल हो जाएंगे उनको भी इसमें जो है एक तरह से बोला जाए कि मिल सकता है कि वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं नहीं तो अगले साल अगर चला गया तो काफी बच्चों के साथ ये गलत होगा तो ये 29 अक्टूबर 10 बजे सुबह से हमें इतने ट्वीट करना है इतने ट्वीट करना है कि ट्विटर कंफ्यूज हो जाए और हैशटैग हमारा जो रहेगा वो यूपी पुलिस यूपी अंडर स्कोर पुलिस अंडर स्कोर वैकेंसी रहेगा इसी को सभी लोग टाइप करो है ठीक है उसके बाद एट दी रेट लगा के यहीं पर एट द रेट लगा के माई योगी आदित्यनाथ ठीक है यूपी पुलिस यूपी डीजीपी जो भी पेजेस हैं जो भी आपके अकाउंट हैं खासकर यूपी से रिलेटेड अखिलेश यादव का अकाउंट सभी पर ट्वीट करके आप बोलो अगर ये ट्रेंड हो गया एक बार ना तो पक्का आपको रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा और ट्रेंड कराने की जिम्मेदारी ये आपकी है आप जहां भी जुड़े हो जिस भी प्लेटफॉर्म पे जुड़े हो आप वहां पे जाइए और कहिए कि सर ये मुहिम स्टार्ट की गई है आप भी एक वीडियो बना दीजिए वीडियो के माध्यम से बच्चों को सूचित कर दीजिए कि उनतीस अक्टूबर की सुबह दस बजे से हम ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो ट्विटर अभियान कर रहे हैं उसमें हमारा साथ दें सभी टीचर और सभी बच्चे जो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो देखो यूपी में हर एग्जाम की वही हालत है इतना लेट लपेट ये कब से कांस्टेबल की हम बातें सुन रहे हैं लेकिन कब ट्रेंडर निकला निकला इसका उस पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ठीक है ऐसे ही आपके रेडियो ऑपरेटर का सीन चल रहा है उसका भी पहले होता था कि अब एग्जाम होगा एग्जाम होगा और जब एग्जाम की बात आई तो देखा उसका नया टेंडर निकल रहा है उसका भी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो सिर्फ टेंडर ही निकलता रहेगा कि आगे भी कोई प्रोसीजर जो है फॉलो होगा तो उसी के लिए आप जो लोग जहां भी जुड़े हो सब लोग एक साथ आइए एक साथ जब हम मिलकर एक यूनिटी के साथ ट्वीट करेंगे तो उसका हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा क्योंकि हमेशा मिला है जब आपका ट्विटर ट्रेंड कर गया तो ये 100 परसेंट है कि कहीं ना कहीं रिजल्ट हमें पॉजिटिव देखने को मिलेगा भाई देवे अगर रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिलता है तब के लिए हम एक अलग रणनीति बनाएंगे कि हम कोशिश करेंगे सभी जो एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड हैं वो एक डेट डिसाइड किया जाए और फिर बच्चों के कुछ संख्या के साथ हम लोग भर्ती बोर्ड आए और भर्ती बोर्ड से हम पूछें कि क्या अगर आप लेट कर रहे हो कोई आपकी जो परेशानी कोई भी दिक्कत है जिसकी वजह से ये वैकेंसी नहीं आ रही है तो क्या उन बच्चों को कंसीडर किया जाएगा जो बच्चे ओवर एज हो जाएंगे क्या आप रिलैक्सेशन दोगे काफी जो है जो हमारे मन में उठते हैं उन सभी सवालों का जवाब उनसे लेंगे और पूछेंगे कि आखिर ये कब तक वैकेंसी आएगी अगर ट्विटर ट्रेंड से हमारा काम नहीं चलता है तो हम आयोग आएंगे और शांतिपूर्वक जो है आयोग से पूछेंगे कि आखिर कब तक जो है हमें ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है चलिए मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को ज्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर करिएगा